हेलो दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को जो है पहले किसी चैनल पर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है तब का है जब बागेश्वर वाले बाबा पटना में नौबतपुर में जब अपना कथा वाचन समाप्त करके आखिरी दिन में 17 तारीख को जा रहे थे होटल पन्हास की ओर, और होटल पन्हास जाने के बाद जो है सीधे बागेश्वर वाले बाबा पटना हनुमान मंदिर गए, वहां पे दर्शन करके एयरपोर्ट की ओर निकले और बिहार से वो चले गए। और ये वीडियो जो है काफ़ी आप लोग को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बागेश्वर वाले बाबा का दर्शन करने के लिए भक्तगण देख सकते हैं कि कैसे उतावले हो रहे हैं कि बाबा का एक छोटा सा ही झलक मिल जाए, दर्शन हो जाए। इसके लिए जो है भक्तगण देख सकते हैं कितने उतावले हो रहे हैं, अपने जान की बिना परवाह किए हुए ही कैसे भीड़ जो है देख सकते हैं बाबा को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। इसके बाद भी जो है पुलिस बल के द्वारा और जो है ये सब कौन सब सला आया हुआ था जो कि भक्तगण पे कैसे लाठी चार्ज करता है, तो आप लोग देखिएगा कि कैसे लाठी चार्ज करता है। तो ये गलत बात है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बाबा से जो है प्रेम सब भक्त करते हैं, इसी के लिए जो है ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, तो बाबा जी को भी रोकना चाहिए था। देख सकते हैं कैसे लाठी चार्ज किया जा रहा है भक्तगण पे, तो देख सकते हैं कि ये वाइट वाला फॉर्चूनर के पीछे जो है ब्लैक वाला फॉर्चूनर में बाबा जी हैं, और बाबा जी को देखने के लिए ये सारे भक्त अपनी जान की परवाह किए हुए कि बाबा जी का दर्शन मिल जाए। और पुलिस बल के द्वारा तो कम ही लाठी चार्ज किया जा रहा था, लेकिन देख सकते हैं कि कैसे सब पता नहीं कौन सा ये सब आया हुआ था। और ये सब जो है बांस वाला कर्ची से जो है लाठी चार्ज कर दिया था, तो काफ़ी सारे भक्त को चोट भी लग गया था और काफ़ी सारे भक्त जो है जख्मी भी हो गया था। ये सब चीज़ किसी न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाएं, तो आप लोग ही बताइए कि सही है या गलत है। तो देख सकते हैं आप लोग कि बाबा जी यहाँ से निकल चुके हैं और भक्तगण जो है काफ़ी परेशान यहाँ पे होते हुए, और आखिरी दिन ये था। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग ये देखे जो वीडियो सही है या गलत है, कि लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। तो ज़रूर वीडियो को